अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो उस्मान का रिजल्ट आना था और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि रिजल्ट आने वाला है और इनको मैं पकड़ के ठहरी हूँ। मैंने कहा मेरे साथ वीडियो बनाए, आए जरा आप। वैसे भी सब कहते हैं कि कम क्यों आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो मैं आ गया हूँ वापस आपकी पुरजोर फरमाइश पे, जैसा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया था। और बाकी मैं बिजी था, थोड़ा सा अभी भी बिजी हूँ। आगे पेपर्स हो रहे थे, फिर रिजल्ट ने हमें, मैं कहती हूँ, अधमोया कर दिया था हमें। फाइनली जिसके लिए मैं इनको पकड़ के लाई हूँ वो तो बताएंगे ना, रिजल्ट आ गया उस्मान का। तो मेरा रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, मेरा रिजल्ट आ चुका है और मैं जो हूँ तो शी इज वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बहुत खुश हूँ आज माशाल्लाह। मुझे अभी, मैं उस्मान को कह रही थी, मुझे इस्लामाबाद वाला टाइम ना दोबारा से याद आने लग गया है और ऐसे लगता है हम आजाद हो गए हैं। पिछले कुछ महीने हमने इतने स्ट्रेस में गुजारे, इतना ज्यादा स्ट्रेस था, बहुत टफ था। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ गया है फाइनली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मास्टर कर लिए फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने उस्मान को कहा आए जरा ठहरे, हाँ मेरे साथ थोड़ी सी वीडियो बनाए, आपके साथ ही जो है ना मैं सबके साथ शेयर करूंगी। और मुझसे बिल्कुल भी जो है ना सबर नहीं हो रहा था, मैंने कहा मैंने शेयर करना है। सब पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए हम आए थे वो हमारा पूरा हो गया है। तो और सबसे अच्छी बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी बात यह है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और माशाल्लाह से डिस्टिंक्शन आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। बाकी अब आगे के हर्डल्स है, उसी में मैं बिजी था और मतलब मैं आजकल उसी में बिजी होता हूँ। लेकिन ये है कि मुझे आना था और आप लोगों को गुड न्यूज देनी थी, तो मैं इसीलिए आपके पास आ गया हूँ वापस। और बहुत एक्साइटेड हैं, खुश हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे देखे आगे आगे होता है क्या, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं सबको उस्मान ये बता रही होती हूँ कि यहाँ की स्टडी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है और थोड़ी सी जो है ना वो चेंज भी है पाकिस्तान से। तो यहाँ पे वो आपको कहते हैं ना, हर चीज नई नई होती है और हमने बहुत स्ट्रगल की है, इस डिग्री ने हमें बहुत कुछ सिखाया, सीखे भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक लर्निंग प्रोसेस होता है, आपकी जर्नी लेके आपको चलता है साथ साथ। पाकिस्तान में तो आदत नहीं थी कि साथ एक वन एट अ टाइम थिंग्स आई वाज डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। अब उसमें ये है कि अब वहां पे तो ऐसा नहीं था कि जॉब करो और बस आ जाओ, फिर खाओ पियो, फिर नॉर्मल लाइफ एंजॉय करो। बहुत टफ लाइफ है यहाँ पे, आपको काम भी करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है। और फिर कभी आपको डिटेल में बताऊंगा अपनी जर्नी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आज तो हम लोग आपके साथ जो है ना गुड न्यूज शेयर कर रहे हैं क्योंकि मैं तो माशाल्लाह बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं बार बार उस्मान को कह रही हूँ, उस्मान आपको ऐसे फील नहीं हो रहा, हर चीज अच्छी अच्छी लग रही है, दुनिया अच्छी लग रही है, हम आजाद हो गए हैं। कैद में थे लग रहा है ना उस्मान, हम कैद में ही थे लगता है। उसकी स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा थी और हमें काफी आजमाइश भी हुई है, काफी आजमाया गया, बहुत ज्यादा। लास्ट डेज तो बस क्या बताएं आपको, बहुत टफ थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। बंदा कोशिश करता रहे तो वो अचीव कर ही लेता है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि बंदा कभी ये सोच के हार के बैठ जाए तो फिर वो कभी नहीं होती। इसका मतलब आप ट्राई करना ही छोड़ दो। तो मैसेज यही है कि आप जो भी कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, कोशिश करते रहे अपने लिए अच्छी, अच्छे से अच्छे की, और नेवर गिव अप। मैं यही कहती हूँ, ड्रीम्स देखना कभी भी ना छोड़े। मैंने ये चीज उस्मान से सीखी है, ड्रीम्स के लिए ना मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई भी नहीं। और माशाल्लाह से अभी भी इनके काफी ड्रीम्स है, अल्लाह ताला सब पूरे करें वन बाय वन, आमीन सुमा आमीन। लेकिन आज मैं उस्मान से भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, पता नहीं उस्मान को इतनी खुशी है कि नहीं है, मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी नहीं, मैं अब डांडिया खेल रही, मतलब ये कहने का यह खुशी मुझे है, मैं डांडिया भी खेल लूंगी, मैं आज इतनी खुश हूँ। खुशी तो मुझे है अल्हम्दुलिल्लाह से, और बहुत एक लंबा सफर था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलकर तय किया। जहां तक मेरा जितना है क्रेडिट दोस्तों को भी जाता है, मेरी वाइफ को सबसे ज्यादा जाता है, मेरे पेरेंट्स को, सबको, और आप लोगों को जो सब दुआएं देते हैं बहुत सारी। आप सबने इतना हमें शुरू में गाइड किया, इतनी दुआएं दी एक एक चीज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। मैंने इसलिए उस्मान को कहा कि हम शेयर करते हैं और थैंक यू कहते हैं सबको, आप हमारे साथ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने दुआएं बहुत की हैं, आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा की हैं। इस वजह से ही मैंने कहा उस्मान आए, इकट्ठे शेयर करते हैं सबके साथ, सबको गुड न्यूज जो है वो सुनाते हैं।
सबके सबको शुक्रिया जिन्होंने दुआएं की, जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने हर एक लम्हा साथ रहे। उसके अलावा जो नहीं मिले उनका भी शुक्रिया, बिकॉज वो भी हमारे क्या कहते हैं प्रोसेस, वो भी हर कोई अपने अपने प्रोसेस में गुजर रहा होता है। लाइफ किसी की क्या सिचुएशन है उसे ही पता होता है और उसके अकॉर्डिंगली वो लेके उसे चल रहा होता है। हर किसी की सिचुएशन हर मैं नहीं जान सकता ना आप जान सकते, तो हैट्स ऑफ टू यू जो अभी तक कोशिश रखे हुए हैं। ये देखिए खुश आप भी हैं उस्मान, मान ले मेरा... तुम के मुझे लगा रहे खुश आप भी उतने ही हैं जितनी मैं हूँ। पता चला रिजल्ट का, मैं तो बहुत ज्यादा रोई थी, खुशी से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। फिर उस्मान की अम्मी को पता चला, वो भी काफी रोई थी, और उस्मान की अबू माशाल्लाह बहुत खुश। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए इंसान है इंसान, आप बड़ा कमजोर चीज कमजोर चीज है इंसान। बताए कहते हैं यार सुकून आपको किस चीज में मिलता है, जब बहुत उदास हो कुछ नजर नहीं आता तो रब के पास ही बंदा जाता है। लेकिन आप साथ साथ नमाज पढ़ा करें, नमाज रेगुलरली पढ़ा करें, बिकॉज दिलों के रास्ते अल्लाह ही जानता है, बेशक, और वही गफूर रहीम है। बाकी ये है कि इंसान को अपनी तरह से कोशिश नहीं हारनी चाहिए और कंटिन्यू रखना चाहिए। इधर से लोग इधर से क्या कहते हैं, कोई किसी को क्या कहता है, और क्या हाँ, कहता मुझे है? भी काफी हेटर्स यही कहते थे ना कि उस्मान कुकिंग करते हैं, काम क्यों करते हैं इस तरह से। मैंने बीच में इसलिए बात भी ये की थी, उसी कुकिंग की वजह से तो मैं पास हुआ हूँ। दुआएं मिलती हैं भाई बेगम की, कमाल करते हैं आप। मैंने कहा सबको उस्मान, मैंने कहा जब बीवी कमाती है हस्बैंड का हेल्प करती है तो हस्बैंड हेल्प कराते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो हमारे बड़ों ने यही सिखाया है, दोनों घरों में यही चीज हमें सिखाई गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की जो वो एक होती है ना कहते हैं जिंदगी की गाड़ी, तो वो दोनों इकट्ठे लेके चलते हैं तो बड़ी अच्छी जो है ना वो आगे चलती है, बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों ने जिस मकसद के लिए आए थे ना बस वो पूरा हो गया है, उसके लिए तुम बहुत ज्यादा खुश हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, आगे हमारे जो प्लान्स हैं जो हम सोच रहे हैं या करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैंने कहा बस ये मैं न्यूज आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दूं, तो अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला सबके ड्रीम्स पूरे करे और खुश रहें आप अपनी फैमिलीज के साथ। सबको अल्लाह सलामत रखे, शाद आबाद रखे, आमीन। सबको अल्लाह पाक खुश आबाद रखे, हमारी दिल से ही दुआ है। और बाकी कभी भी कोई चीज़ हो, गलती से कोई चीज़ बुरी लगी हो, अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा, बुरी लगी हो तो तब भी बताइएगा। हेटर्स जो होते हैं ना वो भी बड़े अच्छे होते हैं आपके लिए, क्योंकि वो आपको भी पता चलता है कि बस हेटर्स क्या, हर किसी की अपनी अपनी मैंने कहा ना सिचुएशन होती है, तो उनके लिए भी खैर की दुआ है, सबके लिए खैर की दुआ है। अल्लाह ताला सबको भी हिदायत दे, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे, हम तो दुआ ही करते हैं। अल्लाह पाक उन सबको हर चीज दे जो चाहते हैं, बिल्कुल। अल्लाह पाक हर की ख्वाहिशात पूरी करे, हमारी यही दुआ है। बाकी ये है कि अपनी तरफ से हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश जारी रखे, जिंदगी का नाम ही कोशिश है और कोशिश करते रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय, ठीक है।